अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव कौन कहलाता है? हे मधुसूदन, यहाँ अधियक कौन है और यह शरीर में किस प्रकार स्थिर रहता है? और शरीर के अंत समय में आत्मसंयमी अर्थात योग मुक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है? श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्म अर्थात आत्मा दिव्य है और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है, तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है अधिभूत कहलाती है, तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं वह अधिदेव कहलाता है, और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थिर अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का भोक्ता हूँ। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक संबंधों से मुक्त होता है वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर, मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना अर्थात आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त होता है। मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंत्रा है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भावों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राणवायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। इस प्रकार ओमकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है वह सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है। उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षणभंगुर संसार में पूर्व जन्म कभी नहीं होता है, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्नलोक से ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पूर्व जन्म कभी नहीं होता है। जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं वह मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। हे प्रथापुत्र, वही यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता है, ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर स्वतः ही प्रकट हो जाता है, लेकिन
उस अव्यक्त ब्रह्म के अतिरिक्त शाश्वत अर्थात अनादि अनंत परम अव्यक्त परब्रह्म है। वह परब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है। जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है, उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता है। वही मेरा परम धाम है। हे प्रथापुत्र, वह ब्रह्म जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित हैं और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पूर्वजन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर त्यागने पर पूर्वजन्म होता है, उस समय के बारे में बतलाता हूँ। जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस समय अग्नि में धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पूर्व जन्म को प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता है और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। हे प्रथापुत्र, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है, इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थिर हो। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पूर्ण फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व में जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है।